हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यह मार्केट का एक टाइप है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए पार्ट वन का अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इकोनॉमिक्स हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिभाषा यानी डेफिनेशन। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रत्येक स्थान पर समान होता है, यदि उसमें से परिवहन व्यय को निकाल दिया जाए तो। इसको परिभाषा को थोड़ा हम लोग डिटेल से समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता के आधार पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? ये बाजार का एक ऐसा रूप है जिसमें वस्तु को जो हम लोग खरीद और खरीदना और बेचने का जो कार्य करते हैं वो प्रतियोगिता के आधार पर होती है। इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका जो सब्जी मंडी देखते हैं। वहाँ पर जब हम सब्जी खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक एक तरीके से जो जो बायर्स हैं और सेलर हैं उसके बीच क्या होता है, कंपटीशन होता है और उसके आधार पर वस्तु का जो कीमत निर्धारण होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें क्रेता नहीं बोल सकते कि बायर और सेलर की संख्या इतना ज़्यादा होता है कि कोई एक बायर किसी भी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाएगा। यानी अकेला किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रत्येक स्थान पर समान होता है, यदि उसमें परिवहन व्यय को निकाल दिया जाए। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितने भी वस्तु होते हैं अगर उसकी कीमत में वो कीमत जो है हर जगह अगर समान पाया जाएगा, यदि जो उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है अगर उसको हम निकाल दें। यानी कहने के मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए एक वस्तु ए है, अगर उसको हम दो तीन अगर अलग अलग मार्केट में देखें और अगर अलग अलग मार्केट में जो भी उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है अगर उसको हम निकाल देते हैं तो सभी वस्तु का जो वस्तु है उसका हर मार्केट में कीमत समान हो जाएगा। क्योंकि किसी वस्तु का जो कीमत है वो चेंज इसलिए होता है अलग अलग मार्केट में क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है वो अलग अलग हो जाता है। यानी कोई भी वस्तु है अगर फंड से यानी जो प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वो कंपनी से जितना दूर में रहेगा उस वस्तु का कीमत उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उसके बाद है श्रीमती जॉन्स रॉबिन्सन के अनुसार जो परिभाषा देगी उसमें क्या कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए पूर्ण मांग पूर्ण लोचदार हो। यानी श्रीमती जॉन्स रॉबिन्सन ने क्या कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतः लोचदार हो। अब यहाँ पर आता है कि उत्पादक के लिए उत्पादन मांग पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या है। यानी कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके लिए जो किसी वस्तु का जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका मांग परफेक्ट इलास्टिक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि वो जो किसी वस्तु जो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसका मांग और पूर्ति क्या होता है, फिर बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से फ्री मूवमेंट होना चाहिए। यानी कि जैसे ही किसी वस्तु की डिमांड कमता है तो उसका जो सप्लाई हो अपने प्रोडक्शन वो कम कर देगा। यानी जब चाहे किसी वस्तु को मांग के अनुसार उसकी पूर्ति को बढ़ा या घटा सकता है। इसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं पूर्ण मांग का पूर्ण लोचदार होना, यानी कि पूर्ण इलास्टिसिटी होना डिमांड का। ठीक है, इसके बाद हम आगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा जानने के बाद अब हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं। यानी किसी बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता कब कहेंगे, जब उनमें ये निम्न कंडीशन पाया जाएगा, यानी जो उसके लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी है। तो कंडीशन कौन कौन से हैं जो उसको जानते हैं। सबसे पहला हमारा कंडीशन है कि वस्तु का समरूप होना। दूसरा है क्रेता तथा विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या में होना। तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। क्रेता तथा विक्रेताओं को मांग वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उत्पत्ति के साधन में पूर्ण गतिशीलता, उत्पादक या फर्मों का बहुत समीप होना और उद्योग में बड़ी संख्या में फर्मों का होना। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता कब कहेंगे, जब उसमें निम्न कंडीशन पाया जाएगा तब। अब ये निम्न कंडीशन को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वस्तु का समरूप होना, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट। यानी कोई भी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता तब होगा जो उसमें बेची जा रही वस्तु है वो क्या होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बाजार में सेब बेचा जा रहा है तो वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता कब लागू करेगा,
कि जब वहाँ जो भी सेब बेचा जा रहा है सब एक क्वालिटी का होना चाहिए, जो गुण है वो समान होना चाहिए। किसी वस्तु का गुण अगर समान होता है तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई बाज़ार में अगर सेब बिक रहा है, अगर सभी जो सेब वहाँ बिक रहे हैं अगर सभी एक क्वालिटी के हैं तो बाज़ार पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, नहीं जो भी सेब है उसका कीमत सभी बराबर मिलेंगे। लेकिन जैसे अगर उसका क्वालिटी अगर अप डाउन आपको देखने को मिलता है तो उसकी कीमत अलग अलग हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली बाज़ार में क्या देखते हैं कि एक ही वस्तु के अलग अलग क्वालिटी होते हैं, जिससे जिसकी वजह से उसकी वस्तु क्या होती है कीमत अलग अलग स्तर की होती है, तो उसका यही। लेकिन जब अगर कोई बाज़ार पूर्ण प्रतियोगिता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यानी जो भी वस्तु हैं वो समरूप रहेंगे, यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन कहता है कि क्रेता तथा विक्रेताओं की बाज़ार में अधिक संख्या में होना। जैसे अब यहाँ पर बात आता है क्रेता कौन होता है, यानी जो जैसे हम बाज़ार में जाते हैं अगर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो हम कहलाते हैं बायर, यानी हम कहलाते हैं क्रेता। और जो दुकान जिस जो इससे हम वस्तु खरीद रहे हैं, जो बाज़ार में वस्तु को बेच रहा है यानी जो दुकानदार है, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेलर। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो मार्केट है उसमें बायर एंड सेलर की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए, तभी वो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार हो पाएगा। अगर वहाँ पर बायर और सेलर की संख्या कम रहेगी तो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होगा। वो कैसे होगा थोड़ा जानते हैं। मान लीजिए कोई एक मार्केट है, ठीक है, अगर वहाँ पर एक ही बायर है और मान लीजिए एक ही को बेचने वाला और 100 लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, तो जो वस्तु वहाँ बेचा जा रहा है वो क्या करेगा, जो सेलर है वो अपने मनमाने तरीके से आपसे प्राइस ले सकता है, क्योंकि वहाँ बेचने वाला और कोई है ही नहीं। अगर कोई दूसरा मार्केट वहाँ पर दुकानदार है ही नहीं तो क्या करेगा, सोचेगा आप कहाँ जाएँ खरीदने के लिए, हम वही वस्तु खरीद लेते हैं। तो जिसके तरीके से क्या होता है, जो सेलर है मनमाने तरीके से आप किसी वस्तु को प्राइस ले सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर मान लीजिए कि एक दुकानदार के जगह मान लीजिए वहाँ पर 10 दुकानदार रहेंगे, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत हमसे ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं हम इसको यहाँ नहीं खरीदेंगे, हम दूसरा दुकानदार जाएँ, दूसरा दुकान के पास जाएँ खरीदने के लिए, तो लास्ट में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो क्या करता है वो वस्तु की कीमत बराबर हो जाएगा। दूसरी तरफ आता है कि अगर मान लीजिए कि दुकानदार बहुत सारे हैं और ख़रीदने वाला आदमी कम है, यानी कि जो बायर है उसकी संख्या कम हो जाए, तो जस्ट इसका अपोजिट वो कंडीशन लागू हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि वस्तु कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। क्या हुआ, क्योंकि हर कोई बेचने वाला बोलेगा कि नहीं मेरा सब कीमत मेरा वस्तु खरीद लीजिए, दूसरा बोलेगा मेरा खरीद लीजिए, तीसरा बोलेगा मेरा खरीद लीजिए, इसलिए क्या करेगा वस्तु कीमत डाउन हो जाते हैं। तो दूसरा कंडीशन यह है कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार है तो वहाँ पर बायर की संख्या और सेलर दोनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए, तभी ये परफेक्ट कंपटीशन होगा। चलिए, तीसरा कंडीशन है कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। अब यहाँ पर फर्म क्या होता है, फर्म जो होता है कि कोई किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई फर्म जैसे हम किसी दुकान में गए तो जो हम वस्तु चाहे वो खरीद लेते हैं, लेकिन जो वस्तु है कहीं ना कहीं एक फर्म में बनाया जाता है, एक फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद वहाँ से दुकान में बेचने के लिए आता है। तो जो मार्केट में है कि वहाँ जो फर्म है जो वस्तु को बना रहा है उसका मार्केट में बोल सकते हैं कि जिसको जो कोई भी मान ली नया कंपनी आया अगर बाज़ार में कोई किसी वस्तु का फर्म खोलना चाह रहा है, फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, तो उसको आसानी से फैक्ट्री खोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और अगर उसको फैक्ट्री अगर नहीं चल पा रहा है तो आसानी से फैक्ट्री बंद करके जा सकता है, यानी उसको आने और लगाने किसी फैक्ट्री को आने और जाने के लिए उस पर किसी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जितना ज़्यादा उसको फ्रीडम मिलेगा तभी वो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। चौथा कंडीशन है कि क्रेता तथा विक्रेताओं को वस्तु की मांग तथा पूर्ति का ज्ञान होना चाहिए। यानी चौथा कंडीशन हमें यह कहता है कि जो बाज़ार में किसी वस्तु का जो मांग है या पूर्ति है, यानी कितनी मत कि जो इस जो किसी वस्तु की जो मांग और पूर्ति है उसका दोनों को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि क्रेताओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए किसी वस्तु कहाँ पर मिल रहा है, और विक्रेताओं को भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कौन सा कस्टमर किस टाइप की वस्तु का डिमांड कर रहा है, तभी वो पूर्ण प्रतियोगिता लागू होगा। ठीक है, उसके बाद आता है उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। यह जो है जो परफेक्ट कंपटीशन है जो मार्केट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि कंडीशन है। अब सर यहाँ पर जैसे आया कि उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, यानी यहाँ पर जो हमारा आया कि जो मोबिलिटी इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं, यानी किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जिन जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उसे उत्पत्ति के साधन कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लैंड यानी भूमि का प्रयोग करते हैं, लेबर लगाते हैं किसी वस्तु को उत्पादन करने में, साथ में उसे कैपिटल यानी बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं पूंजी, या बोल सकते हैं कि मशीनरी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ में वहाँ पर एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है व्यक्ति यानी बोल सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर होता है यानी एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं वैज्ञानिक जो भी बोलते हैं, वहाँ पर एक आदमी, ये चार चीज़ हम लोग प्रयोग करते हैं किसी वस्तु का उत्पादन करने में, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,
तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी में चाहता है कि उसको अगर पता चलता है कि उसका लेबर अच्छे तरीके से काम नहीं कर, मान लीजिए कोई लेबर है उसका अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा वो, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके पास, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके पास जो जो बोल सकते जो कंपनी का जो मालिक है, वो जब चाहे उस जो लेबर है उसको वहाँ से हस्तांतरित कर सकता है। नहीं बोल सकते कि जो लेबर काम नहीं कर रहा है उसको हटा कर वहाँ पर वो लेबर लगाएगा जो वहाँ पर काम करना चाहता है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई मशीन जो फैक्ट्री में कोई मशीन ख़राब हो जाता है, तो उसके पास सिर्फ पूर्ण बात की मतलब कि जब चाहे उसको मशीन को बदल सकता है, पूरी तरीके से मोबिलिटी होनी चाहिए, इस पर किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। जब चाहे उसको बदल सकता है, उसको लगता है कि कोई मशीन अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह नया मशीन लगा सकता है, यानी पूरी तरीके से फ्री मोबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि उत्पादक या फर्मों का बहुत समीप होना, यानी जो भी हमारा जैसे मान लीजिए कोई मार्केट है, यहाँ पर दो चीज़ ध्यान रखना आपको कि उत्पादक या फर्मों का समीप होने का मतलब है कि मान लीजिए जो फर्म है ने इंडस्ट्री ने किसी वस्तु को बना दिया, अब वो मार्केट से इतना दूर है कि उसको लाने के लिए, यानी मान लीजिए कि फैक्ट्री है जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, उसको बेचना कन्याकुमारी में, तो क्या वो दोनों को, इन दोनों के बीच जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक कन्याकुमारी है और यहाँ पर कश्मीर है, ठीक है, तो इन दोनों अगर फैक्ट्री मान लीजिए कश्मीर में लगा दिया और उसको वस्तु को बेच रहा है कहाँ, कन्याकुमारी में, तो यहाँ तक लाने का जो कॉस्ट यानी जो भाड़ा लगेगा, किसकी जो भाड़ा लगेगा, वो वस्तु की कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होगा कि वस्तु का मांग कम हो जाएगी। लेकिन अगर ही जो कंपनी मान लीजिए कि कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री लगाया और जम्मू कश्मीर में अगर वस्तु को बेच रहा है, तो क्या उसका ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और जिससे वस्तु का कीमत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम अगर फैक्ट्री खोल रहे हैं तो हमारा जो वस्तु का जो मार्केट है आसपास से होना चाहिए। इसीलिए हम आजकल देखते हैं कि बड़ों शहरों के जो है उसी के आसपास ज़्यादातर फैक्ट्री लगाई जाती है, यानी शहरों से बहुत नज़दीक में लगाया जाता है ताकि उस वस्तु का जो कॉस्ट है वो कम किया जा सके। उसके बाद है यहाँ पर कि उद्योग में बड़ी संख्या में फर्मों का होना, सातवां नंबर जो हमारा कंडीशन वो कह रहा है कि उद्योग में बड़ी संख्या में फर्मों का होना। अब यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक वर्ड आ रहा है उद्योग और एक आ रहा है फर्म। उद्योग अंग्रेजी हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं और फर्म को हम लोग फर्म ही बोलते हैं। अब फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? इंडस्ट्री में उद्योग जो होता है वो फर्मों का एक समूह होता है, यानी कि इंडस्ट्री में छोटे छोटे बहुत सारे फर्म लगे फैक्ट्री लगे होते हैं, यानी छोटे छोटे फैक्ट्री मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती है, और फर्म जो क्या होता है एक छोटा सा पार्ट होता है। आपको समझ आए कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? फर्म और इंडस्ट्री जो क्या इंडस्ट्री के जो ग्रुप है उसको हम लोग फर्म बोलते हैं, जो फर्म का जो ग्रुप है उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता होने के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कहा गया है इसमें कि जो कोई भी अगर उद्योग है तो उसमें जो फर्मों का बहुत अधिक संख्या में होना, यानी मान लीजिए कि कोई एक वस्तु, मान लीजिए कि कपड़ा का उद्योग है, ठीक है, एक कपड़ा का इंडस्ट्री, क्लोथ का एक इंडस्ट्री है, उसमें मान लीजिए कि बहुत सारे छोटे, एक इंडस्ट्री होगा तो उसमें बहुत छोटे छोटे फैक्ट्री लगल होंगे और वो फैक्ट्री कपड़ा का उत्पादन कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री अगर बंद, अगर मान लीजिए उसमें 100 फैक्ट्री एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, उनमें से अगर एक फैक्ट्री बंद हो जाता है तो क्या कपड़ा का प्रोडक्शन में कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री में सिर्फ 4 ही 5 अगर फैक्ट्री रहेगा और उनमें से कोई एक फैक्ट्री बंद हो जाता है तो जो कपड़ा का उत्पादन है उसमें बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण उसका जो प्रभाव क्या वस्तु कीमत पर हमको देखने को मिलेगा। तो जो सातवां और लास्ट जो हमारा कंडीशन है वो ये कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तभी लागू होगा जब उसमें उद्योग में बहुत अधिक मात्रा में फर्म शामिल होंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का कीमत का निर्धारण, अब हम लोग जानते हैं कि हमने अभी तक पढ़ लिया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की हमने परिभाषा देखी और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार लागू होने के लिए जो कंडीशंस था उसको हमने देखे। अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु का जो प्राइस है यानी कीमत है उस कैसे निर्धारण होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये पार्ट है इस बोल सकते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले जो किसी भी वस्तु का अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो वहाँ पर किसी वस्तु की कीमत निर्धारण होने के लिए दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है सप्लाई कर्व यानी बोल सकते हैं पूर्ति वक्र, और दूसरा है मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है यानी जहाँ पर एक दूसरे को काटता है यानी प्रतिच्छेद करता है उसी पॉइंट पर किसी वस्तु का जो कीमत निर्धारण होगा उस बाजार में वस्तु का कीमत निर्धारण होगा। तो ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि DD जो हमारा क्या है डिमांड कर्व है और SS जो हमारा है वो सप्लाई कर्व है, और ये ई पॉइंट पर ये जो हमारा है ई पॉइंट पर क्या हो रहा है ई पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रहा है और यहीं पर वस्तु की कीमत की निर्धारण हो रहा है। वस्तु की कीमत जो निर्धारण हो रहा है P हो रहा है और वस्तु कीमत की जो मात्रा है N हो रहा है। ठीक
ठीक है, यानी वस्तु की यन मात्रा पर वस्तु की कीमत भी निर्धारित हो। सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट पर क्या होगा, वस्तु का कीमत निर्धारण हो जाता है। और जो हमारा कीमत जो निर्धारण हुआ, यही हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का कीमत हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो आपको सिंपल करना है कि जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट पर वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो भी इंडस्ट्री पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वो किसी वस्तु का स्वयं कीमत निर्धारण नहीं करेगा। जो भी बाजार में प्रतियोगिता के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, उसी के आधार पर वो वस्तु का उत्पादन करता जाएगा। तो दूसरा हम डायग्राम में ये देख रहे हैं कि दूसरा मतलब क्या दिखा रहा है, व्यक्तिगत फर्म। ये जो फर्म क्या कर रहा है कि जो भी यहाँ पर कीमत निर्धारित हो रही है, बाजार में कीमत निर्धारण हो रहा है, उसी के आधार पर ये जितना चाहे उतना वस्तु की मात्रा को क्या बोल सकते हैं, उत्पादन करता जा रहा है। ये लाइन स्टेट होने का मतलब है कि इसी की जो कीमत हमारा P1 है, इस पर जितनी चाहे वस्तु की मात्रा को उत्पादन कर सकता है, कोई फर्म उत्पादन करते जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं वो वस्तु का कीमत निर्धारित नहीं कर रहा है, बल्कि जो कीमत निर्धारण हुआ है उसी को अपना मानकर उसी पर वस्तु का उत्पादन करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा बताना है, फिर उसके पूर्ण प्रतियोगिता बाजार लागू होने के लिए कौन कौन से कंडीशन है उसके बारे में बताना है, और फिर उसकी डायग्राम की मदद से उसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।